हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फजान। स्वागत है आपका एक NITU में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, आज के इस लेक्चर में हम लोग इमेज और टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग बोर्ड पर देख रहेंगे, नोट लिखा हुआ आएगा, इसे आप अपनी कॉपी में अच्छे ढंग से नोट कर लेंगे ताकि रिविज़न कर सकें और एग्ज़ाम टाइम पर अच्छे से पढ़ सकें। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड पर देखेंगे, जो हम लोगों ने नोट्स लिखा है उसे पढ़ेंगे, जिससे हम लोग अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे कि किस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहली डेफिनेशन क्या है। इमेज, इमेज देखिए, जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसकी आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए इसे हम लोग अपनी भाषा में समझ लेते हैं। सबसे पहले दर्पण किसे कह रहे हैं? जो हम लोगों के घर में प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण जो हम लोगों के घरों में होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यह समतल दर्पण सभी के घरों में होता है और दर्पण को हम लोग शीशा भी बोलते हैं और मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इमेज किसे कहते हैं। जब किसी भी दर्पण के सामने हम लोग किसी भी वस्तु को रखते हैंगे तो उसकी आकृति बन जाती है। उस वस्तु की क्या होती है? आकृति बन जाती है उस मिरर में, उस दर्पण के अंदर। तो उस वस्तु की आकृति को क्या कह रहे हैं? प्रतिबिंब कह रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे लगता है आप लोगों को, तो अच्छे से समझने के लिए हम लोग फिगर बनाएंगे और उस पर अच्छे ढंग से समझेंगे, लेकिन थोड़ा और हम लोग डिस्कस करते हैं इसे। जैसा कि हम लोग अपने घरों में समतल दर्पण यानी कि मिरर के सामने जब खड़े होते हैंगे तो अपनी इमेज देख पाते हैंगे। क्या होता है? हम लोग सेम टू सेम हमारी आकृति बन जाती है ना शीशे में, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? जो हम लोगों की आकृति बन रही है उसी को हम लोग कह रहे हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कह रहे हैं? जब हम लोग शीशे के सामने यानी कि दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम लोगों की एक सेम टू सेम आकृति बन जाती है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? अपना प्रतिबिंब कहेंगे। मेरी आकृति बनेगी तो मेरा प्रतिबिंब, किसी वस्तु को रखेंगे वस्तु की आकृति बनेगी तो वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब हम लोग देखेंगे, देखिए टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में, और इमेज की अभी हम लोग अच्छे से डेफिनेशन देखेंगे फिगर बनाकर। ठीक है, तो जब तक देखते हैं, कह रहे हैं टाइप्स ऑफ इमेज देखेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। तो क्या कह रहे हैं? यदि वास्तविक प्रतिबिंब देखेंगे हम लोग, यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और देखिए इसे, यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग अपनी भाषा में समझ लेते हैं आसानी से, जिससे हम लोग समझ सकें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये प्रतिबिंब जो लिखा है इसे मिटा देंगे। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, एक बार हम लोग इसे और भी डिस्कस करेंगे। तो इसे मिटा देंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब को समझने के लिए हम लोग एक सिनेमा हॉल वाला एग्जाम्पल लेने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैंगे तो हम लोग जब सीट पर बैठे रहते हैं तो जो लाइट आती है प्रोजेक्टर से वो हम लोगों के पीछे से आ रही होती हैगी, और जो कहाँ पर पड़ती हैगी, जो पर्दा लगा होता है वाइट कलर का उस पर पड़ती है, और उस पर क्या बन जाती है? वीडियोस चलने लगती हैं या कोई भी हम लोग पिक्चर चला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग एग्जांपल थोड़ा समझते हैं इसे बनाकर। ये क्या है? पर्दा है, ये पर्दा है। पर्दे को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीन बोलते हैं। तो ये स्क्रीन हैगी कहाँ? सिनेमा हॉल की। और ये देखिए, यहाँ पर हम लोग कहीं बैठे हैंगे, यहाँ पर कई लोग होंगे। ठीक है, और यहाँ पर कहीं छत से प्रोजेक्टर लगा होगा। ये छत से प्रोजेक्टर लगा है और ये क्या है? स्क्रीन है, और स्क्रीन पर लाइट पड़ेगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग खड़े हैं या बैठे हैं इस तरह समझ लीजिए, और ये जो है प्रोजेक्टर से लाइट चलेगी और कहाँ पर पड़ेगी? स्क्रीन पर पड़ेगी, यानी कि पर्दे पर पड़ने वाली है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रोजेक्टर में, अगर आपने प्रोजेक्टर देखा होगा तो प्रोजेक्टर में एक मिरर लगा होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से ही हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर को उत्तल दर्पण कहते हैं, सॉरी अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण यहाँ पर लगा होता है और यहाँ से कुछ लाइट्स चलती हैं और यहाँ पर पड़ती है स्क्रीन पर, जिससे पर्दे पर इमेज बन जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्या कह रहे हैं देखिए, यहाँ पर इसमें यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें,
यहाँ पर कुछ बल्ब लगा होता आएगा, ठीक है, ये बल्ब से लाइट चलेगी, तो किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, यहाँ से कहीं परावर्तन होता है, ठीक है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर में परावर्तन होगा, तो परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। देखिए ये लाइट यहाँ से चली, रिफ्लेक्शन हुआ, परावर्तन हुआ, और परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मिल रही हैं, इस स्क्रीन पर मिल रही है, इस स्क्रीन पर लाइट्स मिलेंगी, कह रहे हैं मिलती है, वास्तव में मिलती है, लाइट कहाँ पर मिल रही है, इस स्क्रीन पर, तो इस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। देखिए जब लाइट यहाँ से चलेगी तो परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिलेगी, ठीक है, जिस बिंदु पर लाइट मिलेगी वहाँ पर हम लोगों को एक वास्तविक एक प्रतिबिंब मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर लाइट थी, लाइट यहाँ से चली और यहाँ स्क्रीन पर, जैसे कि हम लोग सिनेमा हॉल में बैठे रहते हैं, तो देख यहाँ पर बैठे होते हैं और यहाँ से लाइट आ रही होती है, और उस लाइट की ही वजह से यहाँ पर एक यहाँ उस लाइट की ही वजह से यहाँ पर मूवी चलने लगती है या कोई भी पिक्चर्स शो करती है, ठीक है, तो पिक्चर शो करती, उसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, वास्तविक इमेज कह रहेंगे। अब थोड़ा हम लोग वर्चुअल इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसे आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। इसे एक बार और देखिए, यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें यहाँ से चल रही है, वस्तु क्या है, बल्ब यहाँ पर लगा होगा, प्रोजेक्टर के अंदर क्या लगा होता है, बल्ब लगा होता है जो लाइट बाहर करता आएगा, जिसकी वजह से लाइट बाहर निकलती है, और यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर होता है। यदि किसी वस्तु से चलने वाली यहाँ से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती, यहाँ पर परावर्तन होगा और यहाँ पर लाइट मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, स्क्रीन पर, वास्तव में मिलती है ना, तो वास्तव में मिलेगी। देखिए जब लाइट चमकती उसी वजह से तो वीडियोस चलने लगती हैं, तो देखिए बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, मिलती है तो इस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है, इससे क्या मतलब है, देखिए ये स्क्रीन है, स्क्रीन को ही हम लोग पर्दा कह रहेंगे, और लाइट यहाँ से चली और यहाँ पर पड़ रही है, और पर्दे पर जो लाइट पड़ रही उसी की वजह से मूवी चलने लगती है सिनेमा हॉल में, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, उस लाइट को पर्दे पर ले ले रहे हैं, तो कह रहे हैं उस इमेज को पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी कि उस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। अब थोड़ा हम लोग वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ सवाल करेंगे, तो चलिए हम लोग वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं। देखिए बोर्ड पर, यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। ये क्या है, दर्पण बना रहा हूं मैं, थोड़ा सीधा करते हैं इसे, ये देखिए दर्पण है, इसका नाम दे देते हैं दर्पण, ये एक लड़का है जिसका नाम है राम, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, देखिए यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, पहले एक बात ये समझ लेते हैं हम लोग, जैसे आप मुझे किस तरह देख पा रहे हैं, मेरे ऊपर एलईडी की लाइट या अदर कोई लाइट पड़ सकती है, फिलहाल तो अभी एलईडीज की लाइट पड़ रही है, जिससे मेरे ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा है उन लाइट का और आप तक पहुंच रहा है, जिससे आप मुझे देख पा रहे हैं, उसी तरह देखिए इसमें यहाँ पर कुछ सनलाइट होगी, ये सन है और इससे कुछ लाइट चलेंगी, ठीक है, देखिए ये सन है और इससे सनलाइट चलने वाली है, इसकी किरणें जब राम पर पड़ेंगी तो राम से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पड़ेगी, मिरर पर पड़ेगी और मिरर से टकराकर लाइट वापस आएगी, ठीक है। जब 90 डिग्री एंगल पर कुछ लाइट पड़ती है तो उसी माध्यम में यानी कि उसी मार्ग में वापस लौट आती है, इस तरह से गई थी इसी तरह से वापस आ जाएगी, ये केवल 90 डिग्री पर होता है। और देखिए मल्टीपल लाइट्स चलेंगी, तो एक लाइट ऐसे गई और ऐसे चली जाएगी, ये देखिए इस तरह से कई लाइट निकलेंगी ना राम से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर, तो देखिए एक लाइट गई 90 डिग्री पर वापस आ गई उसी की आंखों में, तभी वो अपने आप को देख पाता है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तभी वो अपने आप को देख पाता है, और दूसरी लाइट गई इस तरह से निकल गई, ठीक है। अब राम यहाँ पर खड़े हैं, अब आप सोचो हम शीशे के सामने खड़ा है तो इनका इमेज बनना चाहिए, बिल्कुल बनेगा,
देखिए यहाँ पर राम का कुछ इमेज बनेगा, ये राम है और राम का प्रतिबिंब। अब आप सोच रहे होंगे राम यहाँ खड़े हैं, राम का प्रतिबिंब शीशे में बनना चाहिए, जिस तरह से हम लोग खड़े होते हैं तो शीशे में हम लोग का प्रतिबिंब बनता आएगा, ये तो शीशे के पीछे बन रहा है। तो देखिए जब हम लोग फिलहाल तो हम लोग इस पर बात नहीं करते हैं, हम लोग अभी इस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इमेज के बारे में ही बात करेंगे। देखिए ये राम है और राम का इमेज है, राम का इमेज यहाँ पर हम लोग लाइट ले लेते हैं इस तरह से डैश डैश करके, और यहाँ भी कुछ लाइट आएगी, इसे भी हम लोग डैश कर लेते हैं। देखिए ये लाइट चली थी यहाँ से और वापस टकरा कर आई, और ये लाइट किसकी है, ये प्रतिबिंब है राम का, प्रतिबिंब है, इमेज है राम का, ठीक है। देखिए अब राम से लाइट चली इस तरह से वापस आई, और इस तरह से गई तो इधर वापस चली गई। अब देखिए फिर से ये पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगी, यदि किसी वस्तु से, अब हम लोग वस्तु की जगह राम को ले ले रहे हैं, ठीक है, यदि राम से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब देखिए ये राम खड़े हैं, राम से रिफ्लेक्ट होकर लाइट गई, दर्पण पर पड़ी और वापस आई, लेकिन राम को क्या लग रहा है, लाइट जो है इस ओर से आ रही है ना। देखिए राम से लाइट गई 90 डिग्री पर गई थी और वापस उसी मार्ग में आ गई, लेकिन राम को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लाइट उधर से आ रही है, उधर से कोई दिखाई दे रहा है, यानी अपने प्रतिबिंब को कह रहे हैं उधरी से कोई दिखाई दे रहा है, लाइट आ रही है जिसकी वजह से मैं देख पा रहा हूं उसे। किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से, देखिए राम को क्या लग रहा है, लाइट इधर से आ रही है जिसकी वजह से ये इसे देख पा रहे हैं, तो देखिए आते प्रतीत हो रही है, राम को क्या लग रहा है कि लाइट इधर से आ रही है, प्रतीत हो रही है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इधर से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में लाइट क्या हो रहा है, लाइट टकरा कर मिरर से आ रही है, लेकिन राम को ऐसा लग रहा है कि इधर से आ रही है इसलिए बोल रहे हैं प्रतीत होता है। तो इस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कह रहे हैं, ये कौन सा प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज है। ये कौन सा प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज है, ये राम का वर्चुअल इमेज है, राम यहाँ खड़े थे, लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर से वापस आ रही है, और राम को क्या लग रहा है कि लाइट जो है मिरर के अंदर से आ रही है, राम को ऐसा लग रहा है कि लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर उधर से आ रही है, राम की तरह प्रतिबिंब की ओर से आ रही है, समझ गए ये बात। देखिए यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें, राम से चलने वाली किरणें राम को अगर आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज होगी, और इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। अब ये पर्दा क्या आ गया, देखिए जिस तरह से हम लोगों ने सिनेमा हॉल वाला एग्जाम्पल लिया उसमें इमेज को क्या कर रहे थे, हम लोग पर्दे पर ले पा रहे थे, पर्दा लगा दिया था और लाइट जब पड़ रही थी तो उस पर्दे पर ही इमेज बन रही थी। वीडियो किस पर चलती है सिनेमा हॉल में, वीडियो जो है पर्दे पर चलती है जब प्रोजेक्टर चलता है, और इसमें क्या है, राम यहाँ खड़ेंगे, अगर यहाँ पर पर्दा लगा दिया जाए शीशे के पीछे कहीं पर, ये दर्पण है और दर्पण के पीछे हम लोग कोई मिरर, मिरर के पीछे कोई पर्दा लगा देते हैं, और वहां पर चाहें कि राम का प्रतिबिंब बने तो क्या बनेगा, अगर कोई कांच का शीशा लें और पीछे हम लोग रख दें पर्दा लगा दें और देखें इसे झांक कर कि क्या मेरा प्रतिबिंब वहां पर मिल रहा है हमें, तो ऐसा नहीं होता, इसे कह रहे हैं कि पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। जिस तरह सिनेमा हॉल में देखिए वीडियो चल रही होती पर्दे पर चलती है, लेकिन इस इमेज को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसलिए कह रहे हैं इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल कुछ देखते हैंगे, जिस तरह आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेकर देखेंगे और मिरर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि राम दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। एक बार फिर से देखिए, यदि राम दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़े हैं तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। अब भैया ये चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ी नहीं है, इसे किस तरह सॉल्व कर लें, आप पढ़ाएंगे मैं पढ़ाऊंगा तभी तो आप कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे बिना पढ़े। तो चलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स को अटैक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स पर अटैक करेंगे। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
उसका हथियार होना जरूरी है, यानी कि किसी भी जंग पर जाने के लिए पहले हथियार होना चाहिए, उसके बाद हम लोग लड़ाई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट। ये क्या है, मिरर है, दर्पण। ये दर्पण खड़ा रखा है, ये दर्पण सीधे खड़ा है, ठीक है, वर्टिकली दर्पण खड़ा है। और यहां पर एक लड़का खड़ा है जिसको बॉय कह रहे हैं, एक बॉय खड़ा हैगा। और यहां पर कितनी दूरी पर खड़ा है, एक्स दूरी पर, ठीक है। ये क्या है, एक्स है, एक्स दूरी पर एक लड़का खड़ा है। किससे खड़ा है, दर्पण से एक्स दूरी पर एक लड़का खड़ा हैगा, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब बनेगा शीशे में, दर्पण में इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। कहां पर बनेगा, यहां पर कहीं बनेगा। ये दूरी कितनी होगी, एक्स। ये दूरी भी कितनी होगी, एक्स होगी। अब भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें, क्या चल रहा है, ये एक्स वाई जेड पता नहीं क्या चल रहा है। तो चलिए हम लोग अपना एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम लोगों की इमेज बनती है, कि है ना। लेकिन जितनी दूर हम लोग दर्पण से खड़े होते हैं उतनी ही दूरी पर, दर्पण से उतनी ही दूरी पर, देखिए आप कभी देखें, गौर करें तो आप देखेंगे कि जितनी दूरी पर आप दर्पण से खड़े हैं उतनी दूरी पर आपकी इमेज बन रही होती है दर्पण से, ना कि एकदम चिपकी हुई होती है दर्पण से। समझ रहे हैं आप बात को। देखिए जितनी दूरी पर मैं दर्पण से खड़ा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये लाइन क्या है, दर्पण है। अब जितनी दूरी पर मैं इस लाइन से खड़ा हूँ, देखिए इस तरह से जितनी दूरी पर मैं लाइन से खड़ा हूँ उतनी ही दूरी पर मेरी इमेज भी बनेगी लाइन से पीछे की ओर। समझ रहे ना आप बात को, बिल्कुल आसान है ये। जितनी दूरी पर मैं दर्पण से यहाँ पर खड़ा हूँ उतनी ही अंदर दूरी पर मेरी, उतनी ही अंदर दूरी पर मेरी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अगर मैं x दूरी पर खड़ा हूँ तो मेरी इमेज कितनी दूरी पर बनेगी, x दूरी पर बनेगी, किससे, दर्पण से। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, देखिए पूछेगा, अगर आप दर्पण से क्या बोलेगा, अगर दर्पण से कोई वस्तु x दूरी पर रखी है तो दर्पण से उस प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा तो x होगी। जितनी दूरी पर वो वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब होगा, दर्पण से दूरी होगी, याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन में कहता है यदि कोई वस्तु दर्पण से x दूरी पर रखी है तो उस वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। समझ रहे हैं बात को आप, अभी तो पूछ ले, जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछाएगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताओ। लेकिन अगर कह दे कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी बताओ तो क्या होगी, डबल हो जाएगी। चलिए करके देखते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल को। ये दूरी समझ गए आप किस तरह से निकालते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप कॉपी में नोट कर लें बहुत अच्छे ढंग से, ताकि आसानी से हम इसे रिवाइज कर सकें। एक बार और चाहें तो आप इसे देख लें, दर्पण है, दर्पण से एक लड़का एक्स दूरी पर खड़ा आएगा तो इमेज उसकी, दर्पण से इमेज की दूरी कितनी होगी, एक्स होगी। यदि एक्स दूरी पर दर्पण से कोई लड़का खड़ा है तो इमेज भी दर्पण से एक्स दूरी पर होगी। लेकिन अगर इमेज कहे कि वस्तु से इमेज की दूरी या लड़के से इमेज की दूरी, तो देखिए ये लड़का खड़ा है और ये इमेज बन रही है, एक्स दूरी है और एक्स दूरी है, तो कितनी दूरी हो जाएगी, 2x। अगर वस्तु से यानी कि लड़के से दूरी प्रतिबिंब की पूछेगा तो डबल हो जाएगी, जितनी दूरी पर ये खड़ा होगा उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा, तो उतनी डबल हो जाएगी ना, एक्स प्लस एक्स 2x। अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, तो इसे हम लोग क्वेश्चन में हल करके देखते हैं कि हम लोग क्या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए एक बार और क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। यदि राम दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। देखिए अब हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से दर्पण बनाएंगे, ठीक है, ये देखिए दर्पण है, इसका नाम दे दे रहे हम लोग दर्पण, ठीक है, ये दर्पण है। और ये यहाँ पर कुछ खड़ा है लड़का जिसका नाम क्या दे रहे हम लोग, राम। ये राम खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो बनाओ। देखिए ये राम है और ये राम कितनी दूरी पर खड़े हैं करें, यदि राम दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़े हैं। देखिए ये दर्पण है और ये राम है, राम कितनी दूरी पर खड़े हैं दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दूरी पर। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं 1 नंबर के और बिल्कुल आसान सवाल होते हैं, इन्हें बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता है और हो सकता है कि अति लघु या लघु में आ जाए डेफिनेशन के साथ, कि डेफिनेशन बताइए कैसे क्या होता है और साथ में इसे सॉल्व करिए। तो बिल्कुल ये फ्री के नंबर होते हैं, इसे हम लोग अच्छे से करेंगे। दर्पण से राम की दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है और कह रहे हैं, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर शुरू होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। कह रहे हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, याद रखिए अगर राम से दूरी 10 सेंटीमीटर है तो यहां पर राम की इमेज बनेगा कुछ, है ना। यहां पर राम 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, किससे, दर्पण से। तो राम की प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा, दर्पण से बोला, देखिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से जो राम की दूरी होगी वही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी होगी। तो ये अगर हम लोगों को ये निकालना था ना एक्स की वैल्यू, मान लेते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, एक्स है। तो जितनी दूरी पर राम दर्पण से खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर राम का प्रतिबिंब दर्पण से बनेगा। तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। समझ गए ना आप, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। देखिए जितनी दूरी पर राम दर्पण से खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर दर्पण से राम का इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्वेश्चन हल हो गया हम लोगों का, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। चलिए एक कदम हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं इससे। अगर ये बोल दें कि राम से प्रतिबिंब की दूरी बताइए, किसकी दूरी, राम से प्रतिबिंब की दूरी। अब राम ये खड़े हैं, राम कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर पर, और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये दूरी क्या है, ये राम से प्रतिबिंब की दूरी है और ये वाली दर्पण की दूरी जो हम लोगों ने निकाली है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बहुत आसानी से। और आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ने इमेज और वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में पढ़ा था और एक कॉन्सेप्ट सीखा जो कि ऑब्जेक्टिव में आते हैंगे। तो आगे हम लोग मिरर पढ़ने वाले हैंगे, तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे पिछले लेक्चर को, और इससे पहले वाला लेक्चर जो मैंने पढ़ाया है उसी आप रिवीजन कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैन आई टीच यू।